एक तो ये महिलाओं के प्रति जो ये एक निवेदिता और दालमिया साहब ने जो ये पहल की है, इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज क्या है कि देर इज सर्टन टॉक ऑफ वेमेन इक्वालिटी एंड और मुझे ये समझ में नहीं आता कि वाई इज इट दैट मर्द और औरत में एक डिस्टिंग्विश होता है. बट वॉट इज अ ग्रेट थिंग इज दैट इज जस्ट दैट इट्स टू सेलिब्रेट द वुमन, टू सेलिब्रेट. पहला कदम जब बच्चा रखता है तो वो अपनी माँ की कोख के बाद पहला कदम बच्चा सिर्फ माँ की कोख के बाद ही रखता है. सो एक एक्साइटिंग इनिशिएटिव एंड आई विश बोथ ऑफ देम निवेदिता एंड ललित ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वेंचर. एंड निवेदिता इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड शी इज एन एक्टिविस्ट, शी इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट क्रिएटिव पर्सन और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा ही होगा इस इनिशिएटिव के लिए. मतलब जो लोग अब आप भी औरत हैं और मतलब लोग अगर एक लड़की को या एक लेडी को, एक वुमन को अगर कम समझते हैं तो आई थिंक उनकी मानसिक सोच में कुछ ना कुछ सुधार लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. और ये सोच अपने आप में ही आप लोग सुधार सकते हैं. अदरवाइज द आइडिया इज दैट सी द मीडिया इज अ बिग वे इन विच दैट वी कैन चेंज पीपल्स थॉट्स. और जो लोग ऐसा सोचते हैं आज के दौर में इन द 21st सेंचुरी व्हेन सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट एंड वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, आई डोंट थिंक दे शुड बी थिंकिंग दिस. बट जो लोग सोचते हैं वी नीड टू चेंज देयर थॉट्स एंड वी नीड टू चेंज देयर थॉट्स बाय थिंग्स लाइक पहला कदम. मुझे सच में पता नहीं, मैं अभी बस आया हूँ, देखता हूँ अंदर क्या होने वाला. मैं क्या बताऊँ, आई एम वेयरिंग अ सिंपल US पोलो ब्लैक शर्ट एंड लिवाइस जीन्स एंड दैट्स इट एंड आई एम जस्ट हियर. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ और पहला कदम लॉन्च कर रही हूँ. मीडिया फ्रेटर्निटी में मैंने ऑलमोस्ट 19 साल दिए हैं और अब वक्त आ गया था कि मैं सोसाइटी को वापस दूँ. इतने साल मैंने लड़कियों के ऊपर डेली सोप्स वगैरह बनाए हैं. ऑब्वियसली हमने देखा है कि हमने हर तरह से लड़की को स्ट्रॉन्ग ही दिखाने की कोशिश करी. इनफैक्ट मेरे मेल एक्टर्स को हमेशा ये कंप्लेन होती थी कि हम लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते और लड़कों का कोई रोल नहीं होता हमारे शोज़ में. तो ऐसा कुछ नहीं है कि होता क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज और जो लोअर स्ट्रैटा की लड़कियां होती हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि कनेक्शन चाहिए या पैसे का वट चाहिए या कुछ और चाहिए हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए. तो पहला कदम मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जिसकी मदद से मैं जो भी लड़की ड्रीम करती है उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं सहयोगी बनना चाहती हूँ. इन द सेंस कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्किल सेट हो, चाहे वो मिस इंडिया बनना चाहती है जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो उन लड़कियों को मैं वो चीज़ देना चाहती हूँ पहला कदम के थ्रू. हेल्थ केयर, लड़कियों के प्रॉब्लम होते हैं कई बार, सिर्फ पैसा नहीं होता, कई बार डायरेक्शन चाहिए होता है. यू नो, अगर जैसे कि हमारा अभी प्लान है कि हम लोग विमेंस जेल में जाएंगे और उन लड़कियों को हम लोग स्किल सेट देंगे ताकि उनको ये ना लगे कि जस्ट बिकॉज दे हैव कमिटेड अ क्राइम एंड दे आर इनसाइड वो कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती इसके निकलने के बाद. तो बहुत कुछ है प्लान और एजेंडा में और लेट्स होप शुरुआत अच्छी है. हमने ऑलरेडी मिसेज इंडिया के साथ एसोसिएट कर लिया है. AR मिसेज इंडिया करके एक पैजेंट है जो 25 सिटीज़ में होने वाला है जनवरी से, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मैम, वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वुमेन को कहीं ना कहीं कम समझते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे किसी को बड़ा या छोटा तो नहीं दिखाना चाहती. अगर किसी वुमन को लगता है कि उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर लोग कम कर रहे हैं और उनको सबसे निकल के बाहर आना है, तो उसकी मदद मैं कर सकती हूँ.
बट जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उन सबके मुंह तो नहीं बंद करे जा सकते, बट यस, जहाँ पे हमें हमारे पास लड़के आएंगे और हमसे मदद मांगेंगे तो हम डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म बनेंगे कि हम उन्हें मदद करें। साल अभी न्यू ईयर्स आने वाला है और आपने इतना अच्छा लॉन्च किया, तो हैप्पी न्यू ईयर पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि जैसे इस मेरे संस्था के साथ सारे मेरी एक्टिव फ्रेटर्निटी जुड़ी, क्योंकि मेरे को बहुत बहुत ज़रूरत है इन लोगों की। होता क्या है कि इन लोग की फ़ैन फॉलोइंग होती है, अगर छोटे शहरों में मैं जाऊँ कुछ प्रचार करना चाहूँ, एक नॉर्मल चीज़ जैसे ब्लड कैंप लगाए और आज अगर मेरे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, चीज़ों के बारे में बात करेंगे लड़कियों के लिए, तो उससे इम्पैक्ट भी ज़्यादा और रीच भी ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ नए साल के साथ और भी लोग मेरे साथ जुड़ें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों के पास मीन्स नहीं होते, टाइम नहीं होता, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहे कि हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे लोग हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड नए साल का यही प्लान है कि बस पहला कदम पहला कदम पहला कदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरा लुक है कॉटन का, तो मैंने विनीता करके है, विनीता गोयल का आउटफिट पहना हुआ है, बहुत खुशी होती है ऐसी लोगों का, जो कॉटन और ये सब जो चीज़ें ना, इनफैक्ट ये भी मेरे भाई बहन में है कि जो बहुत लोग जो स्किल्स नहीं जानते उनको इस चीज़ में ले जाना, यू नो, टेक्सटाइल के उसमें। और फैशन इंडस्ट्री हमेशा लगता है हमें मनीष मल्होत्रा एंड विक्रम फडनेस और उन लोग सबके साथ होते, बट ये लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं और इन लोग को भी मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊँ, तो ये एक शुरुआत है उसके लिए। तो अभी यानी एक वुमेन को बता रही कि किस तरह से फैशन करना चाहिए। फैशन मेरे कहने का मतलब है कि फैशन हमेशा ब्लिंग और फैंसी 2 करोड़ के कपड़ों से नहीं होता। अ कॉटन कैन ऑल्सो गिव यू अ हाई फैशन लुक एंड आई थिंक आई एम लुकिंग क्वाइट फैशनेबल अकॉर्डिंग टू मी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। I'm doing it. Can you meet her? Show me your smile. We're making sir, a photo with your family. Show me your smile. We're making a thing. Pehla kadam. Boom. Tension laga ke aam nahi bata tak clear. Look your center. Boom. She's a pretty girl. Wait. And the handsome guy right there. Pichle bhi camera aa raha hai. Aap kitne excited hain yahan jaane ke liye aur kitne excited hain? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको तो पता ही है, निवेदिता बासु मेरी लाइक सिस्टर है, आई रियली 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 लव हर, और किचन छोटी बेबी मेरी छोटी बहन है, एंड आई लव देयर फैमिलीज, वेरी रेडी फॉर दिस। और जिधर भी आकाश होता है तो आपको पता है एंजॉयमेंट तो होता ही है, यू नो, पर हम लोग फन करेंगे, इट्स गोइंग बी अ गुड टाइम। Yo, this is Pehla Kadam, miss that movement, this for the women, you know, empowerment. All right, that's about it. Oh, Ajbot, cool and subtle, you know, like that. Scoop, is that cool stuff? Aaj main chilled out mood mein hu. Aaj bahut studio mein kaam kiya, to aaj chilled out aane ka tha mujhe. Yes. मेरा नया गाने के लिए शूट पे जा रहा हूँ मैं, यू नो, मूव योर बॉडी इज कमिंग आउट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे 3 नए गाने आ रहे हैं, बैंग बैंग तो आपने देखा ही होगा, अभी मूव योर बॉडी आ रहा है। कुछ मैसेज अपने फ्रेंड को Yes, just have a very happy new year, or please safe rehna, haan? Jada drink mat karna, agar drink karo, drive mat karna, bas, love you. It's a very clean country, aapko pata hai, my mom is in the country, I feel that, when I'm having a problem, it's very much the same country. My sister, maybe my daughter, I love, that's why I'm here, you know, pehle kadam ke launch mein aaye hain, aapke baare mein kya batana chahenge? जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे निवेदिता से, तो वो हमें काफ़ी कुछ बता रही थी। पहला कदम जो है वो एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, मींस बीइंग वुमेन, मतलब एक औरत है तो वो हर तरीके की मुश्किलों से जो गुजरती है उसको पोर्ट्रे करने के लिए वो लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक कदम उठा रहे हैं, उनका पहला कदम है उस और उस डायरेक्शन में, मीन्स वुमेन हु हैव बीन टॉर्चर फॉर एसिड अटैक्स और डाउरी हो गई, या आपका कलर, स्किन कलर डिफरेंस, आई थिंक बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या कहते हैं, आपको नो एजुकेशन है, एंड यू आर बीइंग ट्रीटेड द सेकेंड सिटीजन ऑल्सो, सो आई गेस दिस इज़ जस्ट अ वे और एक प्रयास है कि उसको इक्वालिटी पर लाने के लिए किस किस तरीके से वो करें, और मिसिज वर्ल्ड आई थिंक वो लोग करने वाले हैं, और 25 स्टेट्स और अब तो और भी एडअप हो गए हैं, काफ़ी टेरिटरीज, उन सब से लोग आएंगे और उन्हें प्रोजेक्ट करेंगे, तो अच्छा प्रयास है और उनको उनका साथ देने के लिए, एंड जस्ट टू शो दैट वी आर देयर विद यू, वी हैव कम हियर। द सेम थिंग आई विल से, जस्ट कीप एम्पावरिंग वुमेन, बिकॉज़ दे
also run the world equally. They only run the world because they give, they have got the just gift of giving birth. Yes, matlab men, of course we have beautiful men and nice men around us, lekin aurat ke paas jo shakti hai ki wo jan de sakti hai, ek janni hai, to kahin na kahin देवी नहीं पर उसे नॉर्मल तो मानिए, तो वो एक प्रयास है शायद, इसीलिए इस तरीके से लोगों को समझ आ सके. थैंक यू. थैंक यू. हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. सर मैं हमेशा अच्छा लग रहा हूँ. मैं वही कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. यार आई एम ऑनर्ड दैट आई एम होस्टिंग दिस इवेंट एंड व्हेन निवी कॉल्ड मी एंड शी सेड यू विल हैव टू होस्ट इट एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच. It's a great initiative. I've known Nivedita for a long, long time. And when she told me that this is what the concept is, because there are a lot of charities which only raise money. See, paisa har banda de deta. But eventually, it's not about money. Doing a lot of other things and taking talent, putting it to use, putting it to another platform. That's what Pehla Kadam is going to do. Bahut achhi baat hai. Bahut hi achhi baat hai. Wo cheez hai. Thank you, Bhaji. God bless you guys. Cheers. Bye. तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो ये कहते थे कि आपने अगर कुछ करने का सोचा और पहला कदम आपने ले लिया तो आधा काम आपका वहाँ पर पूरा हो जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप जो कि हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता होता है कि आपका लक्ष्य क्या होगा, आप किस तरफ जाना चाहते हैं. बट दैट फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. और मतलब हम लोगों ने जिस तरीके की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं उस पर से एक इंसान ने अपना वक्त निकाल कर इस तरह सोचना शुरू किया है, सो आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब एंड आई विश देम ऑल द लक. नहीं देखिए, बहुत सारे हैं और ये इनफैक्ट ये सवाल बुरा नहीं है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है या बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे उन लोगों को याद नहीं करते हैं कभी कभी. बड़ा आसान सा जवाब है, मेरी माँ और मेरी पत्नी. बट बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने कि उस समय में हम लोगों को संभाला है, क्योंकि हर लड़के की हर बच्चे की ज़िंदगी में एक समय आता है जब आप घर वालों के साथ जितना समय बिताते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने टीचरों के साथ समय बिताने लगते हैं, और उस समय में सही दिशा ना मिलना या सही डायरेक्शन ना मिलना जो है वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. सो देयर हैव बीन नॉट वन और टू बट फार टू मेनी ऑफ देम. स्कूल में अपनी पहली प्रिंसिपल से शुरू करूं और उसके बाद एक मिसेस सिंह थी जो कि अंग्रेज़ी की टीचर थी, एक मिसेस खट्टर थी जो हिस्ट्री की टीचर थी. ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की जगह जगह पे और समय समय पर बहुत सही दिशा दी, वरना एंड रिजल्ट कुछ और हो सकता था. सो बहुत सारे हैं लोग ऐसे जिनका कि शुक्रिया अदा करना अभी बाकी है ज़िंदगी. थैंक यू सो मच. सर इवेंट का नाम है पहला कदम और औरत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, माँ बहन बेटी गर्लफ्रेंड जो भी है, आप कुछ कहना चाहें उनके बारे में कुछ भी, आप पहली मेमोरी स्ट्राइक करती हूँ आपके माइंड में कि मेरे लाइफ में मेरी ये औरतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. यार मेरी लाइफ में शुरू से लेकर अभी तक औरतें इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिकॉज मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, यंगर सिस्टर हु आई लव एंड नाउ देयर इज माई वाइफ इन माई लाइफ. एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल बचपन से लेकर अभी तक, मैंने यही देखा है कि मेरे डैड को और मुझे जो भी सही दिशा या मार्गदर्शन मिला है ज़िंदगी में वो औरतों की वजह से ही मिला है. एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड आई रियली लुक अप टू देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कुछ मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, सबको कभी ना कभी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, कोई ना कोई ज़रिया मिलता है, लेकिन जब वो मौका मिले और ज़रिया मिले तब खुद को रोकिएगा मत, ज़रूर थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा और आसपास कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है जो आपको हिम्मत देता है और उस मौके पर आप चौका मार सकते हैं. सर अभी हाल ही में आपने कैलेंडर शूट किया, उसके बारे में बताइए. कैलेंडर शूट की सबसे अच्छी बात ये थी कि सबसे पहला मैं ही हूँ जो सबसे पहले शूट मेरे साथ शुरू हुआ था एंड इन्होंने बहुत ही अच्छे से शूट किया था. मेरा एक अफ़गानी सा लुक है विच आई हैव नेवर डन,
एंड सचिन ने बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए एंड ललित के कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे. निवेदिता जी ने जो कॉन्सेप्ट बनाए थे हर एक के लिए वो बहुत अच्छे थे. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस यूनिक कैलेंडर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ पहला कदम. तो आई एम श्योर जो भी मर्च करेंगे ये कुछ बहुत अच्छा करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. I think it's a beautiful initiative taken by Nivedita and I'm very glad to be a part of it. Before this, I've been a part of Smile Foundation many times. This initiative is a little new and it's different and I'm happy to support it. And also Nivedita and me, we work in the same industry for a very long time and yet we didn't get an opportunity to work together. So this was a good platform for us to come together and work on something very beautiful. And I have enacted a very bold role in the short film that you are going to be seeing once you are inside. So I'm looking forward to going inside and seeing the final clip. So yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, very warm with this conversation because Pehla Kadam event ka naam hai, Nari Shakti ko represent kar raha hai. Aapke kya vichar hai isko? मेरा विचार ये है कि कोई भी चीज़ जब किसी इनिशिएटिव के लिए ली जाती है वो बहुत अच्छी होती है बिकॉज देर आर न्यू पीपल देर न्यू टैलेंट हु गेट्स एन ऑप्शन टू बी एबल टू सी व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर देम. बिकॉज क्या होता है कि जैसे आई हैव कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन फॉर मी टू बी एबल टू ब्रेक इन टू थिंग्स दैट आई एम डूइंग टुडे वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी एंड आई थिंक विद इनिशिएटिव्स लाइक पहला कदम आई एम होपिंग अ लॉट मोर विल हैपन एंड न्यू पीपल विल बी एबल टू सी व्हाट एल्स इज अवेलेबल. Okay, because most of the time it happens के event आया लोग जागरूक हुए बात कर रहे हैं लेकिन जब वो event गया तो फिर से चीज़ें वैसी हो गई. पर वो तो होता ही है हर जगह. पर सबसे अच्छी बात है चाहे वो दो महीने के लिए जागरूक हुए कुछ तो हुए तो आइडिया इज जब नहीं वो आइडिया क्या होता है ना हमें लगता है रिजल्ट नहीं आता उसमें से दो लोगों को अगर वो प्रेरणा मिल जाती है वो एक्साइटमेंट मिल जाती है दोस टू विल ग्रो एंड विल हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू ग्रो इन लाइफ. And even if you are able to change two people's life through one initiative, आपने दो जिंदगियां तो बदली है ना तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी ज़रूरत है नर शक्ति को सपोर्ट करने की बिकॉज शहरों में मुझे लगता है नर शक्ति को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है. पर एब्सोल्युटली बट द थिंग इज एज अ कंट्री ओनली वी हैव बीन ब्रॉट अप सेइंग कि नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस अब बदलेगा और जो बराबरी की होगा तो उसके बाद किसी को बचाने या बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी तो है फिलहाल बिकॉज देर आर कंडीशन ऑफ वुमेन विच इज़ नॉट नॉट रियली गुड. आपकी लाइफ में वो वुमेन जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जिनकी वजह से आप जो कुछ है आज यहाँ तक है माँ है वाइफ है सिस्टर जो भी है आप उनके बारे में जाना चाहेंगे? मेरी माँ और आई थिंक उनके बारे में पूरा कंट्री अभी तक जानता है और वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज और मुझे लगता है ना हर किसी के लिए उनकी माँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता बिकॉज इकलौती वही इंसान होती है जो अनकंडीशनली आपको प्यार करती है. उनका कोई और रिश्ता कहीं और इम्पॉर्टेंट या मायने नहीं रखता है. आपकी वाइफ भी हो जाएंगी गर्लफ्रेंड भी हो जाएंगी भाई बहन दोस्त सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है सबकी अपनी लाइफ होती है लेकिन माँ इकलौती होती है जिसके लिए केवल तुम प्रायोरिटी हो और कोई भी नहीं है. तो आई थिंक उनको प्रायोरिटी बनाना चाहिए ज़्यादा. मुझे नहीं पता जोची नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी. जिसके फैंस ज़्यादा वोट करेंगे वो जीत जाएगा. आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यार जिसको सपोर्ट करता वो चली गई बाहर नेहा पेंट से मुझे मेरी फेवरेट थी वो बट वो तो चली गई. लेकिन अभी मेरे दो दोस्त हैं अंदर एक है दीपिका और दूसरे हैं केवी. तो आई एम होपिंग वो लोग फाइनल्स तक तो जाएँ और फिर उनमें से वो जीत जाए तो पार्टी मिल जाएगी बाकी उसे मिलेगी नहीं. थैंक यू. आपको नारी शक्ति को लेके वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और क्या क्या नहीं हो पाया हमारी कंट्री में औरतों को लेके? फिलहाल इस साल में 2018 में वुमेन्स राइट्स को लेके इक्वालिटी को लेके एम्पावरमेंट को लेके बहुत अवेयरनेस है. अगर हम 90s से आज की तारीख में कंपेयर करें तो आज हम लोग कोसों कोसों आगे हैं.
बट कहने और करने में उतना ही फ़र्क होता है जितना देखने और एक्चुअली एक्सपीरियंस करने में होता है. सो आई बिलीव के कॉस्मोस बदल जाने से इंडिया नहीं बदलता है. सो इफ़ दिस इज़ अ स्टेप, जैसे कि इसका नाम है पहला कदम, दैट निवेदिता जी एंड ललित जी हैव टेकन टुगेदर, सो आई एम हैप्पी दैट इट्स नॉट ओनली वर्किंग ऑन द यू नो कॉस्मो लेवल बट फॉर द अंडर प्रिविलेज यू नो वीमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ना ही सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि इवन छोटे शहरों तक, तब जाकर नारी शक्ति की बात होगी ना. और मेरा तो राइट फ्रॉम मिस इंडिया से लेके अभी तक हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट राइट्स को लेके हमेशा एसोसिएशन रहा है. सो इट्स आई थिंक इट्स द परफेक्ट स्टेप एट द परफेक्ट टाइम दैट वी डू एज मच एज वी से एंड टॉक अबाउट इट. बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं. मैं ये मैंने मिस इंडिया के वक्त भी ये बात नहीं कही थी बट मेरी दो कजिन्स हैं जो मैं खुद जब 17 साल की थी उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था. बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर पेरेंट्स, दे आर माय कजिन्स, बट नोबडी वाज रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम जस्ट बिकॉज कि वो लड़कियाँ हैं. जबकि वी कम फ्रॉम अ वेरी डेवलप्ड सिटी बट जस्ट बिकॉज दे आर दो लड़कियाँ हैं, इनकी शादी कौन करवाएगा ये वगैरह. एंड सिंस देन दे हैव बीन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर मोर माई डॉटर्स देन माई सिस्टर्स. और तब मुझे भी बहुत कहा गया था कि आप क्यों कर रहे हो ये, लड़कियाँ हैं. सर लड़कियाँ हैं तो वॉट, इट्स द सेम राइट एज यू नो द गाइज, एंड इट्स अबाउट अ लाइफ मोर देन अ गर्ल और अ गाय. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टचिंग एक्सपीरियंस और तब से वो मेरे साथ हैं एंड आई थिंक दे हैव चेंज माई लाइफ मोर देन आई हैव चेंज देयर्स. थैंक यू. सी क्या कि नारी शक्ति को सपोर्ट सदियों से, बिकॉज आई थिंक पहले भी ज़माना नारियों का और लेडीज़ और वुमेंस का वुमेन का ही था, तो आज भी वही है. एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट हर औरत को, हमको बहुत इज्जत देनी चाहिए क्योंकि हर औरत किसी ना किसी की माँ बनती है. और जो कि ये पहला कदम जो उठा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक और ये उस टाइम पे उठा है जहाँ पर एक्चुअली में औरतों की इज्जत मतलब जगह जगह खिलवाड़ किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग. सो थैंक्स टू निवेदिता, बासु मैम एंड द होल टीम. या होल टीम फॉर इनवाइटिंग अस फॉर सच अ हैप्पी इवेंट. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, वी हमने शूट भी किया है तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे चीज़ के लिए हम साथ में जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमसे हमारे साथ जो भी बन पाएगा हमसे अच्छी चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया हर इंसान जो है औरत की इज्जत करे क्योंकि हर औरत माँ बनती है और माँ बड़ी प्यारी होती है ना. यस बिल्कुल, शक्ति की ज़रूरत है जब आप यू नो नॉर्मली. मैं जिम से बाहर निकल रही थी और एक लड़का था जो साइकिल में, नॉर्मल लड़का था, आई डोंट नो वो स्ट्रीट बॉय, उससे ना मुझे गाली दी. मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती ये चीज़. मैंने उसको एक लात मारी और वो साइकिल से नीचे गिरा एंड ही सेड सॉरी. जस्ट कॉल माय वाइफ. यस एंड ही सेड जिम करने का फायदा नहीं है, मतलब वो सरदार नहीं है वो. कि वो रियलाइजेशन उसके लिए कि उसको मैंने बताया नहीं कि मैं उसको क्यों लात मार रही हूँ. मे बी उसने वो गाली मेरे को देख के दी है या पीछे किसी और को देख के दी है, बट मुझे फील हुआ तो मैंने उसको वो हिट दिया. तो हम कह सकते हैं हमने पहला कदम बढ़ा दिया था उसी टाइम. यस, आप ऑल फॉर ऑल द वुमेन्स ऑफ दिस कंट्री, यू नो सोचो मत, अगर कुछ बुरा हो रहा है उस पर रिएक्ट करो, आवाज उठाओ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. आप कोई पूछना कुछ? उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने लिख के दिए थे मुझे. मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ. सर बोल देते ना, बोल दिया वो खुद ही कह रही थी मैं बोलूँ. सर वो पहला कदम है इतना भारी. हेलो, हर औरत दुर्गा है.
सर ये अमेजिंग वालों आई थिंक सबसे पहली बात जैसा कि मैंने कहा कि जी ये पहला कदम है निवेदिता बासु ने लिया है लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि इंसान अक्सर कभी ऐसे इनिशिएटिव ले लेता है अच्छा लड़कियों के लिए बच्चियों के लिए लेकिन जब आप एक माँ बनते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उन्होंने माँ बनने के बाद ये कदम लिया है सबके लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल बिगनिंग एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट शी इज़ माई सिस्टर प्रैक्टिकली माई रियल सिस्टर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट अगर आपको ऐसा चांस मिला तो आप क्या करना चाहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग सवाल ओके इतने में जवाब सोचने की ज़रूरत नहीं इतने तो तेज़ हैं हम आपको अच्छा जवाब भी देंगे उसकी आप चिंता मत कीजिए जैसा कि मैं कह रहा था कि यू सी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वेमेन देर शुड बी लेकिन हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है लेकिन अगर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा मैं अभी हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ जहाँ पर हमारा एक घर है बाकी नॉर्दर्न स्टेट से कंपैरिजन में जो मुझे पता है और मैं ट्रैवल करता हूँ मैं देखता हूँ हिमाचल में गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत स्ट्रेंथ है वहाँ पे लड़कियों के लिए ना एक ऐसी नॉर्थ इंडियन स्टेट है लड़कियों को छुपाया नहीं जाता कुछ ऐसे उनके ऊपर कुछ प्रेशर सोसाइटी के नहीं एक माउंटेन रीजन है और जब पहाड़ों के बीच बीच में भी जाते हैं वहाँ पे हर बच्चा और ज़्यादातर लड़कियाँ चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़े हों लड़के भी ऑब्वियसली बट ज़्यादातर लड़कियाँ मुझे दिखती हैं स्कूल जाते हुए सुबह सुबह और बिना डर के बिना झिझक के अगर मैं कुछ करना चाहूँ जैसे कि इन्होंने पूछा एज अ गर्ल आई वुड वॉन्ट एवरी गर्ल इन इंडिया टू हैव दैट फ्रीडम एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ कि आपके ऊपर प्रेशर आ गए आप बड़ी होना शुरू हो गए या पेरेंट्स को लगता है सेफ नहीं है मैंने हिमाचल में जो देखा है आई थिंक वो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश में होता है हर लड़की सुबह स्कूल माने चार चार किलोमीटर दूर से आती है और उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा मैप्ड है उनके मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे रोड बंद हो जाए ठीक है आप बरोट एक जगह वहाँ पे फिश मिलती है आप आगे जाइए 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 चार गाँव छोटे छोटे दो स्कूल मतलब चार गांव हैं दो स्कूल हैं हिमाचल में सब जगह ऐसा उनकी एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग है तो मेरा जवाब आपके लिए ये है कि हिंदुस्तान के हर कोने में गांव में स्पेशली स्कूल्स और एजुकेशन इस तरह की हो कि सबको एक एक्सेस हो स्पेशली लड़कियों को और उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं भाई मैंने एक नया घर लिया है मैं चाहूँगा कि मैं मुंबई के ट्रैफिक में ना फंसूँ जो लोग फंसना चाहें पार्टी करना चाहें दारू पीना चाहें मस्ती करना चाहें उनको ऑल द बेस्ट हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से मैं अपने नए घर में बैठ के सुकून से म्यूजिक सुनते हुए दाल चावल रोटी खाते हुए अपना न्यू ईयर बनाऊंगा सभी फैंस को हियर इज विशिंग एवरीबडी ऑन माई गॉड सो मेनी ऑफ ऑल द चैनल्स हियर अ वेरी वेरी हैप्पी 2019 एंड मे इट बी प्रॉस्पर्स एंड सक्सेसफुल फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ यू हियर Thank you so much, guys. Lots of love. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं शुरू से इस तरह के एनजीओ से जुड़ा रहा हूँ और इनिशिएटिव बहुत ही खूबसूरत है ये वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री इवन फॉर वर्ल्ड वाइड आई मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो गुड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव करना ही चाहिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्मॉल टाउन्स में आज भी ये लोगों की धारणाएँ हैं कि मतलब लड़के लड़की में फ़र्क और ये सब करना सो आई एम आई एक्चुअली वॉन्ट के जो मुझसे बन पड़े मैं डेफिनेटली करूँ और करता रहूँगा नारी जगह भी नया ऐसा कोई गाना फिलहाल तो याद नहीं आ रहा बट मैं ऐसे कोई गाना गा जाता हूँ एक मुझे बड़े ही पसंद है गाना वो इट्स अ फीमेल सॉन्ग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल सर एक साथ फोटो यस सर लुक योर लैबी सर प्लीज यस मैम यस या वन मोर लैब बेटा थैंक यू मैम एक्चुअली
कैसी हैं ग्रुप ऑफ मैम? ऑल वेल? हाँ, ओके। मैम सबसे पहले बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अब उसके बाद में सवाल पूछना चाहूँगा कि नारी शक्ति को प्रेजेंट करता हुआ है ये पहला कदम मुंबई में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोग आपसे मिलते हैं, आपको फ़ोन करते हैं रिगार्डिंग कि नारियों के लिए कुछ बेहतर किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दिल के बहुत क्लोज है ये नारी सशक्तिकरण मुद्दा, बिकॉज जिस पोस्ट पे मैं इस टाइम हूँ उसमें हम सबसे ज़्यादा काम ही वुमेन एम्पावरमेंट पे करते हैं, और आज इस इवेंट में आने का रीज़न यही था कि मैं अपनी फ्रेंड निवेदिता बासु को सपोर्ट करना चाहती थी। सो मैं अपनी फ्रेंड निवेदिता बासु को सपोर्ट करना चाहती थी, बिकॉज एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि हमें कैसे अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए, उनके हक के लिए उनको कैसे उनका हक दिलवाना है, देश में उनको कैसे तरक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल नारियां पुरुषों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। बहुत साल पहले एक छोटी सी बच्ची की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक 6 साल की बच्ची है, एक स्लम है कासम नगर जो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है आरटीओ लेन के पास, तो वहाँ पे एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन हो गया था। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि मीडिया में छपने के लिए या करने के लिए उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसे केसेस आपके पास कभी आते हैं तो वो केस मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव था, तो उस बच्ची की आइडेंटिटी किसी को पता ना लगे, इसलिए हमने उस विक्टिम उसको कैसे हमने कल्प्रिट को सजा दिलाई, और उसके लिए हमने एक अलग तरीका ढूंढा पुलिस के साथ मिलके कि कैसे उसको उसका हक मिलना चाहिए बच्ची को और सज़ा मिलनी चाहिए। सो ऐसे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई कुछ भी रेप केसेस हैं, मोलेस्टेशंस हैं। सो आई थिंक बेटियाँ एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनका सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनके साथ जुड़े रहें। अरे नहीं, मेरा अपना पर्सनल काम नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पहले रुको, एक चीज़ का रेड वाली का पहले, अरे उसको सबसे पहले कर दूँ। आनंद भैया I'm here to support Nivedita Basu, and I'm very, very happy and glad that she's opening the new NGO, Pehla Kadam. I think, you know, we all should support, especially the girl child, her education, especially nutrition is so much important at the young age. So I think it's a beautiful thought, and we are all here to support the cause. And once again, congratulations, Nivedita, and, you know, whenever help she will require, we are all there for her. Okay, ma'am, any particular incident from your own life that you would like to share with us? Any uncanny incident? Incident about? About any uncanny incident happened with you in your past? You know, I mean, any teasing or something else? Teasing? No, not really. I have been very lucky till now, but I must say that, you know, since I'm in India, I have been always supporting some NGO, be it Kushi that time, right now Smile Foundation, and right now another Nivedita's NGO. So I think, you know, to support girl child is very, very important. I also written a book called Keep Eating, Keep Losing. So, you know, I know how nutrition in a very young age is important for the children. So, you know, to give them food, to give them at least 1-2 meals in a day, to give them education so India also can grow, because that's the biggest problem as well, especially in the rural area. So I think that we are all aware, the nation is aware, the world is aware. So I think that's the most important point, we should guard it and, you know, help them all together. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anna, very warm welcome to this conversation. Pehla Kadam Nari Shakti ko darshata hai, batata hai. Aapki kya memories hain apni maa ke saath ya behno ke saath? Aur aapko kab laga ki nari ko waqai mein shakti ki zarurat padti hai? Well, meri ek hi behan hai aur main bahut hi close hu usse. Aur maa ke saath to khair sabhi ka hota hai, koi aisi koi wo nahi hai. But
इतना एक इंटेग्रल पार्ट होती है जो बहन होती है, और वो जब ज़िंदगी से चली जाती है, शादी हो जाती है, फिर हमारे को लगता है और हम और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि सब ठीक है लाइफ, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, क्योंकि एक आदमी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब शादी करने के बाद ना, और मेरे को पर्सनली मेरे में ये रियलाइजेशन आया कि यार मुझे ज़्यादा सही होना है, बिकॉज नाउ शी हैज़ गॉन एंड मैं आगे सबको साथ रखूँगा, चाहे वो मेरी वाइफ है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको अच्छी तरीके से रखूँगा, तो ही शायद समाज में और आगे उसको भी लाइफ में सब ठीक है, ठीक चीज़ें मिलेंगी। तो वो एक मेरे में पर्सनली एक वो चेंज आया, बट कोशिश मेरे को ये कि उनको कैसे, मतलब एक वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो मेरे को वो अपने आप में एक गलत सी चीज़ लगती है, क्योंकि हम लोग सब वी आर ह्यूमन बींग्स, वो अलग और ये अलग की बातें हम लोगों ने समाज में बना दी है, अदरवाइज वो अपने आप में सक्षम है, मतलब उनमें हमें, मुझे लगता है कि दे वर्क मच मोर बियॉन्ड, हमसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं वो लोग अगर आप प्रैक्टिकली देखें, और इज्जत नहीं मिल रही है, ये चीज़ें जो ओवरऑल यहाँ पे हमारे देश में एक जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा एजुकेशन के सिस्टम के वजह से है, थोड़ा ज़्यादा ढंग से एजुकेट किया जाए ना सबको, तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। बाकी आई होप के पहला कदम से चीज़ें और बेटर होंगी और लड़कियाँ, आज की नारी आगे आ रही है, उसको ठीक कर रहे हैं चीज़ों को, तो आई विश निवेदिता वेरी वेरी गुड लक दैट उसका ये बहुत अच्छा चले एनजीओ। नारी को शक्ति की ज़रूरत है ये कभी हमको, आई थिंक मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ, बिकॉज जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मेरे पास शुरू से बहुत शक्ति दी गई थी, बट कई बार जो दूसरी लेडीज़ या गर्ल्स जिनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, समटाइम्स यू डू रियलाइज़ कि यू नो उनको शक्ति की ज़रूरत है, एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सपोर्ट, बिकॉज अगर मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं ये शक्ति दे सकती हूँ तो मैं ऑलवेज देना चाहूँगी। I definitely like, I completely support her, I mean I'm with her on this. I don't think ki nari ko shakti ki zarurat hai, I think wo ek ek insaan ko janam de sakti hai, uske paas itni shakti ho sakti hai, to I think wo duniya mein kuch bhi kar sakti hai. She just needs a little encouragement, a little support, and I think rest she can do it all. What do you think ye jo nari shakti hai, what do you think ke kamzor ko support karna chahiye instead ke nari, what do you think about? नहीं, आई थिंक कोई भी कमज़ोर नहीं है, बीट अ गाय बीट अ गर्ल, कोई भी कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर हम होते हैं यहाँ से, आई थिंक यहाँ से इफ़ यू मेंटली स्ट्रॉन्ग देन आई थिंक यू कैन विन बिगेस्ट ऑफ द रेस इन दिस वर्ल्ड। लाइक शी सेड, कमज़ोर सी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं बट कमज़ोर कोई भी नहीं है, एंड ये जो नारी शक्ति ही इसलिए आया है बिकॉज देर वॉज एन इनइक्वालिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सो अगर वो इक्वालिटी नेचुरली होती तो इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट क्योंकि नहीं है इसलिए थोड़ा नारी शक्ति बोलना पड़ रहा है, एंड आई थिंक अभी चेंज हो रहा है बहुत जल्दी इनफैक्ट चेंज हो रहा है, दैट स्नोबॉल हैज स्टार्टेड। नया साल आने वाला है और हमें तो मालूम है कि आपका नया साल कैसा होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दीजिए क्या होने वाला है। सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं जो कि पहले दो तीन दिन उस पर अमल करते हैं, उसके बाद वापस गायब हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन कभी लेती नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ हर साल मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, अगर मैं आज 99 स्टेज पर हूँ तो by tomorrow, by next day, I should be on 100. So I think that's all. और फैमिली के साथ रहें, खुशियाँ मनाएँ, मिल बाँट के रहें, और ये जो हिंदू पाकिस्तान में भी चलता है लड़ाई झगड़ा, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, और हाँ मी टू भी बंद हो जाना चाहिए, प्लीज़ इनफ नाउ। जाना ये भी चाहेंगे कि कितने साल की हो गई है लड़की से, उसकी एज पूछ रहे हो, इक्वालिटी क्या, सीरियसली आप एज पूछ रहे हो? अरे जोक को सीरियस कर दिया।
Yeah, I have no problems. I can tell you my age. मेरे कोई New Year resolutions नहीं है, कभी नहीं होते. In fact, life I think on a regular basis improve होनी चाहिए. ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई. Actually, बचपन में I don't think किसी को भी समझ में आता है. But once you understand this, that life has to be, each day has to be better than the previous one. तो there is no resolution as such. बस इतना है कि हर साल एक नई energy के साथ आता है. And this year is going to be blessed for a lot of people. That I know for sure. Thank you so much. I wish you all the best. Thanks. मैम आइए ना. वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन मैम. डिड समबडी टेल यू कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं? आपने बताया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. मैम नारी शक्ति, जो नारी शक्ति चल रहा है आजकल, मी टू मूवमेंट भी चल रहा है, सच बताओ तो जी हाँ, इस दुनिया के कुछ शहरों में अभी भी नारी को शक्ति देने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट, आर सफरिंग अ लॉट. हम क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हमें लगता है कि ओ वी वुमेन आर वर्किंग, बट देर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर नॉट गेटिंग एडुकेशन, नॉट वर्किंग, घर में रहती है पर्दा डाल के. सो यस, मुझे लगता है कि अभी भी नारी शक्ति की बहुत जगह ज़रूरत है. आपकी तरफ से कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको बाकी लगा हो कि काश कोई मर्द या बॉयफ्रेंड या डैडी कोई होते जो आपको सपोर्ट कर पाते या इस मुसीबत से आपको निकाल पाते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई गेस मेरी जितने लाइफ में मेरे लाइफ में जितने भी मेन हैं, बी इट माई फादर, बी इट रोहन, एवरीबडी, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. मोर देन देम इट्स माई मदर हु सपोर्ट्स मी, बिकॉज उनकी वजह से मैं आज हूँ. आई हैव कम विथ हर. सो या, इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन योर लाइफ. सो आई हैव कम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन माई लाइफ, माई मॉम. क्योंकि आप इतनी प्यारी और सुंदर लग रही हैं, तो अपने अटायर के बारे में बताइए. हु डिजाइंड दिस? नोबडी, दीज आर माई पर्सनल क्लोथ्स एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बहुत ही सिंपल है. Just come to meet to Nivi and just because of her, I'm here. रोहन के बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो अभी आप आपके साथ नहीं हैं तो नारी सपोर्ट नहीं कर रहे? रोहन नहीं, ऐसा नहीं है. रोहन इज़ इन दुबई, ही इज़ शूटिंग फॉर हिज म्यूजिक वीडियो, सो दैट्स व्हाई ही कुडन्ट मेक. चलिए, थैंक यू सो मच. विश यू नारी शक्ति के बारे में जी हाँ, आपके थॉट्स क्या हैं कि बाकी भी नारी को शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि नारी तो पहले से शक्तिशाली है, तभी एक आदमी एक औरत से जन्म लेता है, तो कितना मिसकंसेप्शन है इस बात में नारी शक्ति को सपोर्ट करें? इसमें एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज क्या हो जाता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, वुमेन आर एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं. जैसे आपने कहा, मैं कम्प्लीटली मानता हूँ, बिकॉज आज मेरी परवरिश मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी मॉम ने किया है, विजेता जी ने किया है, तो उनकी शक्ति, उनकी बिलीव एंड उनका प्यार और संस्कार जो बोलते हैं, वो अगर नहीं होगा ठीक से तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे. सो वी शुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर वुमेन इन नीड एंड ऑलवेज सपोर्ट देम एंड यू नो ऑलवेज बी लविंग एंड केयरिंग अबाउट देम. रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. थैंक यू. जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हैं, बट जैसे मैं बात करूं कि निवेदी का ये इवेंट है एंड मेरे को एक साल हो गया निवेदी के साथ काम करते हुए. एक वे ऐसा भी उनका शो था, तो अगर आपको शो भी याद हो तो उसमें भी हम लोगों ने यही दिखाया था कि एक लेडी एक विडो है और उस शी गेट्स रीमैरिड, तो वो कहीं ना कहीं वो निवेदी के, वो मैं अब 2 साल से जानता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड हैं. इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करें. इनफैक्ट हमारे एडीज जो होते थे वो भी लड़कियाँ ही होती थी. सो आई हैव ऑलवेज सीन दिस कि निवेदी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉज. और यार शुरुआत करेंगे तभी कुछ होगा, इसीलिए हम लोग सब आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर टू जस्ट यू नो गिव इट अ न्यू ट्राई एंड अ स्टार्ट. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for that.
Not past, almost every day when I drive the car, I feel that, you know, what is happening? Like, I mean, the road nuisance and all these petty things, the everyday petty things. हाँ लाइक शी सेड यार कि ड्राइविंग का कोई बहुत ही छोटी सी बात है yeah, कैसे एज मेन भी जब हम देखते हैं कोई लड़की ड्राइव कर हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि यार लड़की है पता नहीं कैसे चला रही होगी सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ एंड इट गोज वे अप तो इनिशिएटिव अच्छा है एंड आई थिंक वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट दैट्स व्हाट वी नीड इट्स मच नीडेड इट्स मच नीडेड बिल्कुल दिस हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल दिस हैज़ टू बी फेड इनसाइड दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस फॉलोड घर पे बाहर एवरी डे एवरी टाइम सो या इट्स अबाउट लाइक एजुकेटिंग एवरीबडी एंड फॉलोइंग इट यार होता है बहुत बार यही होता है कि शुरू होता है और फिर फिज आउट कर जाता है बट आई थिंक अभी रिसेंटली जो मी टू मूवमेंट भी आया था आई थिंक इट्स स्टिल नॉट फिज आउट उसका जो इफेक्ट था वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तो सिमिलरली आई थिंक नारी शक्ति की बात जब हम करते हैं तो हम सबको अपने अंदर आई थिंक वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तभी ये चीज़ बड़ी होगी तभी जो हम इक्वालिटी की बात करते रहते हैं लेकिन इट्स स्टिल नॉट देयर वो तभी होगा जब हम ईच वन ऑफ अस टेक्स इट अपॉन अस इंडिविजुअली बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है क्योंकि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि औरतों की वजह से ही हम लोग ये सृष्टि आगे बढ़ा पाते हैं और आज मैं खड़ा हूँ क्योंकि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सो निवेदिता और ललित का बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर एंड इसमें से एक मंथ के फोटो पे यू नो कैलेंडर पे मेरी फोटोग्राफ है सो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस देखिए बहुत सारी चीज़ें सच भी होती हैं तो आप वो इग्नोर नहीं कर सकते बट इट्स ऑलवेज द केस कि अगर फ्रीडम दी जाती है तो उसे कहीं पे मिसयूज़ भी होता है सो आई थिंक आई वुड लेट द अथॉरिटीज डिस्कस एंड डिसाइड ऑन दिस थैंक यू But I just want to say 2019 should be fantastically fabulous for everybody and please spread smiles and spread love as much as you can. We are here to support the initiative which is Pehla Kadam started off with Nidhi ma'am. So yeah, I mean, I'm always up for it. Koi bhi agar, you know, as an initiative liya jata, it's very good to, you know, support another woman to uplift the woman power. So yeah, we are here to support her. Don't you think that the Me Too movement chal raha hai, Nari support chal raha hai, so don't you think बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जो इसका नाजायज फ़ायदा उठाती है बट आई थिंक एवरीथिंग सेड एंड डन चीज़ें होती भी है करप्शन है हमारी सोसाइटी में उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो जो लोग अटेंशन के लिए जो भी कुछ करते हैं उस चीज़ को आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के जो मेन पर्पस है उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए राइट हाँ आई गेस जो लोग जानती हूँ उनका नाम लेना चाहें एड्रेस के साथ जी नहीं मैं बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी हालांकि मैंने कभी यू नो अब तक ऐसा कुछ फेस किया नहीं है बट आई रियली फील बैड फॉर दोज वुमेन जो यू नो ये गो थ्रू करती है एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम ये जो पूरा एरा है जहाँ पे यू नो वुमेन अपनी आवाज़ उठा रही है एंड यू नो पीपल आर सपोर्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री सो आई गेस हाँ आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ों को लेकर कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए एंड आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि लाइक हाउ प्रियंका सेड कि हमें बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए उन वुमेन के लिए हु यू नो गो थ्रू सच थिंग्स बट आई थिंक मुझे इक्वली बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है बिकॉज दे डोंट नो कि आप किस चीज़ के अगेंस्ट क्या कर रहे हो यू नो आपको दूसरे वुमेन को अपलिफ्ट करना चाहिए उनको मोटिवेट करना चाहिए उनका साथ देना चाहिए रादर देन उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ खुद के सेल्फिश रीजन की वजह से इनफैक्ट आई विल टेल यू ये जो मैं करंटली एक शो कर रही हूँ बोधी जी का अभी वहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यू नो जो भी
फीमेल एक्टर्स हैं जो ये सेटअप में काम कर रहे हैं उनके लिए एक काइंड ऑफ यू नो इट्स लाइक दिस थिंग फॉर द मैन एज वेल टू बिहेव नाइसली टू वुमेन एंड लड़कियों को भी थोड़ा सेफ लगता है कि हाँ यू नो हर जगह पे जहाँ पे भी वो आवाज़ उठाएंगी उनको सुना जाएगा सो ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नया साल आने वाला है और नए साल की क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और अगर चल रही है तो क्या चल रही है और वो सारी चीज़ें जो किसी को बताना नहीं चाहती हम बता दीजिए किसी को नहीं बताएंगे आप किसी को नहीं बताएंगे हम तो मतलब ये सब लोग जाने वाले हैं टी वी पे एज सच आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे मेरे लिए न्यू ईयर ज़्यादा वो मैटर नहीं करता हाँ एक वो होता है जोश होता है कि नया साल है बट विद एवरी ईयर आई फील अलॉट ऑफ गुड वर्क सक्सेस एंड गुड हेल्थ फॉर एवरीबडी फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्रेंड्स एंड या गुड विशेज फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली या और हम सब का क्वेश्चन ये भी जुड़ा हुआ है कि वो एक गंदी आदत जो कंटिन्यू करेंगी आप नहीं चाहेंगे मैं कोई गंदी आदत नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ नहीं 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 मैं मेरी आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट एवर आई डू सो इट्स ओके आदत को तो आप कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे ना आई मीन व्हाई वुड यू ट्राई टू नहीं एक्चुअली जो आपने 2017 में सोचा था 2018 में नहीं करेंगे वो कंटिन्यू रही है शायद 2019 अच्छा ओके मैं बोलूँ मुझे लेट आने की बहुत आदत यस श्रीतमा फिलहाल इस वक्त मैं आधे घंटे से उनके लिए वेट कर रही थी तो आई गेस इनको इस चीज़ पे बिल्कुल काम करना चाहिए मैं चाहती बट आई थिंक वो टॉस ओवर होगा टू द नेक्स्ट ईयर बट इट्स ओके आई मीन ये बहुत ही छोटी मोटी चीज़ है आई थिंक बिहेविंग लाइक अ गुड ह्यूमन एंड बींग ह्यूमन टू अदर पीपल विच इज़ अगेन बींग ह्यूमन ओवर योर सो आई थिंक हर इंसान को बस अच्छे से रहना चाहिए ये जो भी हेट्रेड और जो भी जेलसी होती है उसे साइड में रखना चाहिए एंड यू नो मोर ओवर इट्स वन लाइफ आई थिंक जितना आप लोगों को खुश रखे बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव आई थिंक दैट्स बी हेल्दी बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहला कदम किसी भी एक बच्चे का बहुत ही स्पेशल होता है बहुत ही अगर वो नाइव होता है और वो एक वंडरेबल कदम होता है तो वो उतना ही पाक होता है उतना ही ईश्वर के करीब होता है वो भगवान का पहला कदम होता है जो इंसान के रूप में वो ला रहे हैं सो पहला कदम इज़ आई फील इज दैट गॉड दैट इज़ कमिंग और ये उनका पहला कदम होता है और दूसरे कदम से वो इंसान बनना चालू होता है इंसान जो एक छोटा बच्चा होता है सो आई विश द एंटायर टीम ऑफ पहला कदम ऑल द वेरी बेस्ट नेवी इज़ अ फैमिली इट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएशन इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ये सोच बहुत ही पाक है एंड आई वुड रियली विश नेवी एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो पहले कदम को और ज़्यादा अवेयर करें और ज़्यादा सबको बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट Is that small little angel to be in this world? मैं बस वुमेन को यही बताना चाहूँगा मैं मैसेज कुछ नहीं दे पाऊँगा बट एक एक औरत जो होती है वो आई थिंक बहुत ऊँचा दर्जा होता है उसका वो एक वो उनको कुछ उनको कुछ मैसेज नहीं दे पाऊँगा बस मैं उनसे ये बता पाऊँगा कि वो दुर्गा है वो लक्ष्मी है वो सरस्वती हैं वो वो उन्होंने उन्होंने हमें बनाया है अगर वो नहीं होती तो हम नहीं होते और उनसे महान कुछ नहीं है एक औरत से महान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता कोई भगवान भी नहीं हो सकता मुझे ऐसा लगता है न्यू ईयर आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर बट हाँ क्या सो बस मैं यार हर न्यू ईयर अपने दोस्तों के साथ में हाँ न्यू ईयर का मेरा हमेशा ऐसा प्लान होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार के साथ में ही बिताऊँ तो न्यू ईयर का मेरा हमेशा यही प्लान होता है कि मैं अपने परिवार के साथ में बिताऊँ तो इस साल भी मैं अपने परिवार के साथ में बिताऊँगा माता पिता के साथ में बनाऊँगा मेरे दोस्त मुझे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो इट बिकम्स ऑल द मोर मेरियर बट या दैट्स द ओनली प्लान आई हैव हाँ जी Hi, this is Charlene Bhanot and I wish everyone a very, very happy new year. May all of you all have 2019 as the best year of your life. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैम आपके पर्स को देख के लगा मोदी जी की स्पीचेस द्वारा नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है सर आप कितना सपोर्ट करते हैं नारी को मैं हम इसके लिए एक्चुअली वी हैड अ वेरी गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर एंड लॉन्च सो वी एज कपल हैव शॉट फॉर द फर्स्ट टाइम विद निवी
and for Pehla Kadam. Or we are very very excited to go and see it. Pehli baat. Dusri baat, supporting women empowerment ke baare mein jo baat hai, uske liye yaar wo bachpan se hi raha hai. Kyunki I have four doctors in my family who are women. I have two interior designers in my family who are women. I have one fashion designer in my family who is also a woman. And I can't speak more than that. Because मुझे लगता है कि I'm the black sheep of the family that as an artist. But मेरे दादाजी ने, मेरे फादर ने हमेशा उनकी स्टडीज को, उनकी एजुकेशन को, उनकी लाइफस्टाइल को और उनकी सोच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए और हमेशा ये सोचा है कि वो हम सबसे ज़्यादा सही हैं और लक्ष्मी का सही भी रूप है जो तहे दिल से जिनकी इज्जत भी की जानी चाहिए और वही राय है थी वही चीज़ है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है. ऐसा नहीं है कि हमारी नोकझोंक नहीं होती है, जब हम मियाँ बीवी बन जाते हैं तो होती है, बट जब जैसे ही इनका कुछ भी कहना होता है तो उस बात को, उस सजेशन को और इनके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ. बाकी आगे ये बताएंगे. ओके मैम, जैसा आपने सिखाया था सबने वैसा ही बोला. बताइए क्या आपने मुझे सिखाया था. सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. I mean, he ये सीख कर आए. He knows it all. No, but he means it. So ऐसा कुछ है नहीं कि सिखाने वाली बात है. I'm sure he means it. I've seen him, you know, being the gentleman that he is. मैम, पहला कदम इवेंट का नाम है, नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है. कोई आपकी लाइफ से कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि वाकई में नारी को किसी शक्ति की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत है. एक्चुअली हमारे देश में हम जैसे व्हेन वी आर बॉर्न ऑल्सो ना, तो बहुत ही प्रोटेक्ट किया जाता है लड़कियों को. तो वो जो आप, मेरे लिए मेरा पहला कदम वॉज लाइक यू नो, मैंने एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑफ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड फगवाड़ा एंड केम टू बॉम्बे. सो दैट वॉज अ सपोर्ट दैट आई गॉट. आई नीडेड दैट सपोर्ट देन एंड आई एम श्योर. बट टुडे यू नो वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस सपोर्ट एंड आई थिंक वी आर एम्पावर्ड नाउ. सो यस, इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. मैम, नया साल आ रहा है, उसके लिए शुभकामना अपने फैंस के लिए और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए. कहिए, बताइए. डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपके घर में वाले नए साल के उसके पास शुभकामना. बताइए क्या करने वाले हैं आप नए साल के. इस बार नए साल में शायद काम ही करने वाले हैं. शायद क्या, इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हैं. मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है. हमारा सिर्फ इस साल सिर्फ मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली एज अ पर्सन दी हैप्पीस्ट एंड अ प्रोफेशन एज दी हैप्पीस्ट व्हेन आई एम वर्किंग. और अगर मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का और उसके लिए बिजी रहने का तो इट कांट, नो हॉलीडे कैन बी देयर. और हर साल नहीं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं पर जाएं और ट्रैवल करें. और इस साल हम यही भर रहने वाले हैं, बॉम्बे में रहने वाले हैं. बॉम्बे हमारा अड्डा होने वाला है. करेक्ट, बॉम्बे ही हमारा अड्डा होने वाला है. आपके फैंस एंड आई जस्ट वांट टू से दैट यू गाइस हैव अ रियली हैप्पी न्यू ईयर मैन. जस्ट हैव फन, जस्ट लिव एंड लेट लिव एंड जस्ट बी हैप्पी. May 2019 bring the best of the blessings to you guys and cheers to the new year. Thank you guys. Thank you. God bless you. क्या बोला आपने? कितनी सुंदर लग रही है. हाँ, बहुत अच्छा. वो जो पहले बोला था वो अच्छा नहीं लगा. अच्छा, हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने भी इतनी तारीफ करी. डेफिनेटली मुझे पता है मैं खूबसूरत दिख रही हूँ. सो थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट जितने मिले उतने कम लगते हैं. तो अभी आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. मैम, इवेंट का नाम है पहला कदम और आप जानती हैं नारी शक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है. डोंट यू थिंक कि ये इवेंट, ये जो इवेंट्स आते हैं या फिर लोग इनिशिएटिव लेते हैं, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था. क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए. मैं ये मानती हूँ कि नेवर टू लेट, इट्स बेटर लेट देन नेवर. तो मैं यही मानती हूँ कि चलो शुरुआत हो रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है. और शुरुआत तो मुझे लगता है बहुत सालों से हो ही चुकी है, ऐसी बात नहीं है. हमेशा जो है सब एम्पावर करते हैं. इनफैक्ट मेरा शो भी जो है दैट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो, एक लड़की जो है अपना ड्रीम के लिए. तो ऐसा नहीं है, जब भी रहा है सब ने. इनफैक्ट जो मेल्स हैं उनकी भी मैं बहुत उनको भी मैं
बहुत थैंक यू कहती हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते. अभी जिस टाइम की जब मेरी मम्मी की एज थी, जब वो छोटी थी, उससे और आज के ज़माने में बहुत हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जो शायद मेरी मम्मी को और उनकी जनरेशन को नहीं थी. तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया है और आगे भी कर रहे हैं. आज तो लड़कियाँ कहाँ नहीं है, हर जगह है. तो इट्स ऑल अबाउट योर सपोर्ट कि आपके साथ हम, आप हमें बराबर का समझते हैं कि हम आपके साथ काम करें. तो आई एम, और हाँ, कई सारी ऐसी जगह हैं जो, जैसे कि इनिशिएटिव है पहला कदम, आज भी इंडिया में और बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी कई जगह जहाँ लड़कियों के एजुकेशन को लोग सोचते हैं, यू नो, कि कोई बात नहीं, सिर्फ शादी करके जाना है, तो वहाँ ज़रूरत है. तो मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं है इतना, बट वहाँ ज़रूरत है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग पहला कदम, जहाँ बच्ची के पैदा होने से लेकर उसके करियर तक में उसकी हेल्प की जाती है. वो चाहे किसी भी, शी इज़ फ्रॉम एनी वॉक ऑफ द लाइफ, कहाँ से कहीं से भी हो, उसकी मदद करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और एज एन आर्टिस्ट इट्स माई ऑनर टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कॉज. मैं सर आने वाला है, और किस तरीके का रेजोल्यूशन आपने बनाया है, और अगर बनाया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी. मैं हर साल एक ही रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि सुबह 4 बजे 5 बजे मैं उठूँ. इस साल वो कम हो पाया, मगर इस बार, इस साल मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं सुबह 5 o'clock एटलीस्ट मैं उठूँ. और मेरा मॉर्निंग रूटीन तो रहता ही है, डांस रूटीन तो रहता ही है, बट नाउ मैं और भी सारी लर्निंग को और भी ज़्यादा लर्निंग करना चाहती हूँ. तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे प्राइवेट टाइम चाहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं 4 to 5 मेडिटेशन करूँ. तो मे बी दिस ईयर इट विल हेल्प. तो मैं 25 से इनफैक्ट वो शुरू कर दूँगी. और आपके जो फैंस हैं, जो आपको देखते हैं, आपको, जो आपको बेहद चाहते हैं, उनके लिए भी मैसेज, नए साल की कोई शुभकामनाएं, मुबारकबाद कुछ भी लगता है? यस यस, ऑफ कोर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, और जीरो देखिए, सिम्बा देखिए, और खूब मस्त रहिए, हमें देखते रहिए. अपकमिंग प्रोजेक्ट इज कमिंग ऑन 21st December, KGF, जीरो भी है, सिम्बा भी है, KGF भी आ रही है. ओके, जितनी मूवी आपको पसंद हो उतनी देखिए, जितने जेब में पैसे हो सब खर्च कर दीजिए और मजे लीजिए लाइफ में. हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रेडी नारी शक्ति को सपोर्ट के को लेकर इवेंट है, और आपकी क्या यादें जुड़ी हैं, कि आपकी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिनके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहला कदम को जो बीइंग विमेन जो है, इसे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आशीष राय जी को, नवीदिता बासु जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है. पहला कदम मेरा वो उठा था जब मेरे डैड वॉज हिटलर, और मेरे ख़ानदान में कभी भी घूंघट के अलावा कभी कोई बाहर नहीं गया. हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने वैक्सिंग नहीं करी, आईब्रोज नहीं बनाया. उस ख़ानदान की बेटी हूँ मैं, राजपूताना ख़ानदान से. तो आप सोच सकते हैं कि वैसे ख़ानदान में लड़की को काट के फेंक देते हैं. उस ख़ानदान से राखी सावंत बनी है. राखी सावंत ने पहला कदम उठाया है एक्ट्रेस बनने के लिए. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कितना झेला है इस लाइफ में, और आई फील कि आज मैं कामयाब हूँ. नया साल आने वाला, क्या क्या सोचा आपने नए साल के लिए, क्या क्या प्लान्स हैं आपके, और क्या आपने जो आपने पहले सोचा था 2017 में 2018 में हुआ, या फिर आप उसको परस्यू करेंगे 2019? हर साल कुछ अलग अलग होता है हमेशा. हर साल कुछ 17 में जो नहीं हुआ वो 18 में हो जाता है. तो अब मैं देख रही हूँ कि अब 18 में जो नहीं हुआ वो 19 में हो जाने वाला है. 19 वैसे भी आर वालों के लिए तो बस बेस्ट रहने वाला है, और 19 में तो मैं रॉक करने वाली हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. आई एम हियर टू सपोर्ट निवेदिता, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शी सेड अर्जुन कुछ भी हो जाए, ये उसका पहला कदम है पहले कदम की तरफ. सो आई हैव टू कम हियर एंड सपोर्ट हर, आई सेड डेफिनेटली, एंड ऑब्वियसली इट्स टू डू विद वुमेन एम्पावरमेंट. एंड आई थिंक मेन की और वुमेन की, वुमेन मेन की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो बी देयर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज़ मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी हासिल नहीं हुआ है उनके लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड सो एनीथिंग दैट सपोज चिल्ड्रेन, वुमेन, ओल्ड पीपल, आई ट्राई एंड यू नो मेक इट दैट. अर्जुन, डू यू थिंक कि ये मीटू मूवमेंट चल रहा है, पहला कदम चल रहा है, ये जो औरतों को सपोर्ट करने वाले जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डू यू थिंक कहीं ना कहीं मर्दों के साथ, लड़कों के साथ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, कि अगर तुम्हें कुछ नहीं गलत, देखिए कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे कोई भी रूल बनता है तो उसका एक लूपहोल होता है.
आप समझ रहे हो, जैसे कितना भी स्ट्रिक्ट रूल लेकर आओ आप, उसका एक लूप होल होता है, उसके लिए लोग बचते रहते हैं, दे ऑलवेज फाइंड अ वे आउट. सो द सेम थिंग इज़ विद द मूवमेंट, यू नो योर देर आर गोइंग टू बी कुछ जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाते थे, कुछ सही भी होंगे, बट देन या ऐसा तो नहीं है ना कि हम फिर बिकॉज गलत भी उठ रहे हैं तो बिल्कुल ही चुप हो जाए. सो आई गेस कि यू नो ओनली टाइम कैन टेल हाउ मच थिंग्स विल चेंज, बट एटलीस्ट वी आर इन द राइट डायरेक्शन इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. नए साल पे क्या करने वाले हैं नया, और साथ ही साथ क्या शुभकामनाएं देंगे अपने चाहने वाले? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. करने क्या वाले हैं? मैं गोवा में अपने फैमिली के साथ. अच्छा, और उसके बाद अभी शुभकामनाएं? मैं सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2019 सबके लिए खुशियाँ लाए, गुड हेल्थ लाए, और ढेर सारा प्यार प्लीज़ ज़रूर बांटिएगा, बिकॉज उसी से ये दुनिया जो है थोड़ी बेहतर बनेगी. थैंक यू सो मच. थैंक्स. कदम निवेदिता जी को कैसे आप विश करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है? सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि निवेदिता बासु एक ऐसा नाम है जो दिग्गजों में गिना जाता है टीवी इंडस्ट्री में. मुझे लाने वाली निवेदिता बासु एंड एकता मैम थी इस इंडस्ट्री में, और उनका इतना अच्छा उमदा इनिशिएटिव है, तो ऑब्वियसली ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, एंड गुड विशेज टू द टीम, स्पेशली निवेदिता मैम. ऑब्वियसली द सेम, इट्स वेरी आई एम हैप्पी टू बी हियर. आई नो मैम बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड मयंक, एंड ऑफकोर्स शी इज़ अ स्वीट हार्ट एंड अ वेरी लवली पर्सन एंड अ वेरी वॉर्म पर्सन. And I feel happy that I am a part of this event. कोई मैम आपकी लाइफ से कोई ऐसे कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको वाकई लगा हो कि नारी को वाकई में सशक्तिकरण की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है? मैं क्यों मैं कभी भी मैन और वुमेन में कोई मेरे डिक्शनरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये ख्याल कभी आया ही नहीं और आ ही नहीं सकता कि कभी मुझे ऐसा लगे कि जैसे आपने पूछा कि कोई अंतर है, मेरे अंदर कभी ये ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए दे बोथ आर इक्वल ओनली. सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक लाइक दैट कि ऐसे ये चीज़ लड़की कर सकती है तो ये चीज़ लड़का नहीं कर सकता, और ये लड़का कर सकता है तो ये लड़की नहीं कर सकती. क्या बात है, कैसे सवाल कुछ होता है? चलिए रिलेटेड भी यही आपने क्या सवाल था आपका, यही तो पूछा ना कि कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई मोमेंट आपके लगा है? हाँ, ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपको लगा हो कि वाकई में आज नारियों को वाकई में लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करें, कुछ ऐसा इंसिडेंट, अनकैनी इंसिडेंट? मेरे हिसाब से बेसिकली शी व्हाट शी मेंट वाज वुमन इक्वालिटी. इक्वालिटी तो एक एक अगर जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, हम कहेंगे कि भाई काम के वक्त, जो कि अभी भी लिया जाता है कि वो वुमन इतना काम काहे कर रही है, शी हैज़ टू बी अ हाउस मेकर और अ गुड होम मेकर. तो मेरे हिसाब से इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, देन काम भी करना चाहिए. अब जैसे इंडस्ट्री में है तो आई थिंक वुमन इक्वालिटी, वहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम मेल स्पेशली और फैमिलीज़, बिकॉज आप अगर टीयर टू सिटीज़ में भी जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो वहाँ पे इतना अभी भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है विमेन को काम करने के लिए. वो कहा जाता है कि भैया आप घर पे रहिए, बच्चे पैदा करिए और अपना खुश रहिए. तो आई थिंक वहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मिलना भी चाहिए ना. नहीं, सही बोल. हाँ वही, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं हर चीज़ को लेके, इसलिए आपका जो सवाल था उसका मेरे पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि हमने जवाब दे दिया ना, सपोर्ट मिल गया. देखिए सवाल बदल देते हैं, आपके फैंस के लिए नए साल की शुभकामनाएं क्या? बस हमेशा खुश रहो, और आप जो भी करो अपनी ज़िंदगी में उसमें हमेशा बाबा जी को वाहेगुरु जी को याद करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो भी है वो सब दिया तो उसी का ही है. That's it, and may God bless you guys as well. Merry Christmas, Happy New Year. Thank you, take care. Well, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देंगे, मेरी बहुत क्लोज मित्र हैं वो,
और उन्होंने जो पहला कदम रखा है, आई थिंक सो मे उनका ये पहला कदम बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं लें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन पर बना रहे। वेल बी स्टाइलिश, बी कूल एंड कीप थिंकिंग, बी पॉजिटिव और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। जी, सो आई थिंक वुमन, आई सपोर्ट वुमन अ लॉट एंड आई थिंक सो दे आर पावर। A woman is someone who tells a man what love, caring, sharing is all about. That is called being an essence of woman. So I think so this is the best proverb one can give and I wish them all the best. Thank you so much. Thank you very much. जैसा पहला कदम है, आई थिंक उनका ये पहला कदम है इस इवेंट के लिए एंड हम सब उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। इसमें आशीष राय भी जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो जब अपने दोस्त जुड़े हों तो उनको सपोर्ट करना लाजमी है और आई होप दिस वर्क्स वंडर्स। या वुमेन को मैं उनको क्या मैसेज दूंगा, उनसे तो हम मैसेज लेने के लिए आए हैं बिकॉज वो हैं तो हम हैं और हर नारी को, हर लड़की को, हर वुमेन को एक सैल्यूट मार सकते हैं बिकॉज जितनी तारीफ की जाए कम है एंड आई थिंक अभी उनके टाइम है यार। आई थिंक लिटरेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो तो मैं बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहूँगा जरूर। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर पढ़ाई है तो आई थिंक लाइफ में आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। जी, मेरे सारे दोस्तों को मेरी तरफ से, विपुल गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल, आने वाला साल 2019 बहुत बढ़िया रहे हम सब के लिए और बहुत नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी। थैंक यू, थैंक यू। उठ चुका है, आप क्या कहना चाहिए इस पहले कदम के बारे में? निवेदिता जी जो इनिशिएटिव लिए हैं उनको किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहिए? बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदिता को, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पहला कदम और अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई एम सपोर्टिंग दिस थिंग और लेट्स सी अभी किस तरह से आगे ब्लूम होता है, ग्रो होता है। बहुत 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 शुभकामनाएं सबको कि उनका नया साल बहुत ही धूम धड़ाके के साथ शुरू हो और ख़त्म भी धूम धड़ाके के साथ हो। सबको बहुत सारे धन दौलत, संपत्ति, प्यार, पीस मिले। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, अभी आप करोगे ना, पूछ लो ना फटाफट। पहला कदम एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है निवे की तरफ। बिल्कुल पहला कदम है, पहला कदम है और बिल्कुल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो कि एजुकेशन जो कि बेसिक है, हर इंसान को मिलना चाहिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज़ को भी, सबको मिलना चाहिए। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम सब निवे के साथ हैं इस पहला कदम में। यस, हम सब ये कदम साथ में उठा रहे हैं। हाँ, आप देखिए वुमेन को मैं हमेशा ही सपोर्ट करता हूँ बिकॉज़ अगर मैं अपने घर में देखूँ तो मेरी मॉम भी टीचर थी एंड देन मेरी बहन भी काम करती थी, तो अगर लड़कियाँ काम करती हैं, अपना इंडिपेंडेंट होती हैं, तो एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है उनका, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल हमारे देश में। और हर कंट्री का अगर प्रोग्रेस आपको देखना है तो वो वहाँ उस कंट्री की औरतों की प्रोग्रेस से आप मेजर कर सकते हैं। सो मुझे ये बहुत सपोर्ट करता है, तो आई एम श्योर क्योंकि मैम ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, मतलब क्या लगता है क्योंकि ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि अभी ये इवेंट है आप बात कर रहे हैं, कल खुद कुछ भी नया इवेंट आएगा उसके बारे में बात होगी, तो डोंट यू थिंक नहीं ये मैं जो बोल रही हूँ ये मैं सिर्फ कैमरा सामने है इसलिए नहीं बोल रही, जनरली मैं फील करती हूँ कि हम जब बोलते हैं कि सेलिब्रेट बींग अ वुमन, तो हम मैं जनरली मानती हूँ कि बींग अ वुमन इज़ अ ब्लेसिंग। और देखिए ऐसे ये सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये होते रहने बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल, क्योंकि मान लेते हैं कि चलो ज़्यादा दिन नहीं चलता फिर कुछ नया होता है, लेकिन कुछ नया भी हो रहा है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये सपोर्टिंग द गुड कॉज यू नो, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें की चीज़ों की शुरुआत होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। अच्छा पहला कदम तो ये, दूसरा कदम क्या होना चाहिए? दूसरा कदम क्या होना चाहिए?
पहला कदम तो ले ले पहले, फिर बताते हैं दूसरा कदम क्या होना चाहिए। हाँ, लेट्स गो विद द फ्लो। चलो ठीक है, जाते जाते आप क्योंकि नया साल आने वाला है, आपकी शुभकामनाएं आपके फ्रेंड्स के लिए क्या रहेंगी और क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से नए साल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? नए साल में इनफैक्ट हर साल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका अपना मानसिक संतुलन बना के रखिए। ये इनके अपने लिए था, इनके लिए मानसिक संतुलन वाला। आप सब लोग खुश रहिए और फोकस रहिए, आप लोगों को क्या करना है प्लीज़ उस बात का, वो बात हमेशा आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि अब मुझे करना है क्या लाइफ में, और बस उसके अलावा बाकी लाइफ एंजॉय कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। वो मानसिक पूछ लो सर, पक्की बात है ना? वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। पहला कदम इनिशिएटिव लिया जा चुका है निवेदिता जी की तरफ से, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या शुभकामनाएं उनके लिए है और किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या आप उनको एक सजेशन देगी कि ये आगे बढ़ते रहना चाहिए? और एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव निवेदिता मैम ने लिया है, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द डे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यू नो मदद की ज़रूरत है, एंड अगर वी डोंट पुट इन आवर रिसोर्सेज एंड हेल्प देम, हाउ आर दे गोना गो अहेड? सो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट। और मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की, क्योंकि मेरा भी फोटोग्राफ इस कैलेंडर में है, सो आई थिंक आई पुट माई लिटिल टू बिट्स ऑल्सो इन साइड, सो दैट्स माई वे ऑफ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं हमेशा लड़कियों के बीच में ही पला बड़ा हूँ, लाइक मॉम, आई हैव अ सिस्टर एट होम, now I have a wife and a daughter at home, so I know it's so much fun right now, my daughter's age, and then when she grows up it will be fun even then. So it is said ke bhai jab ladka aur ladki hoti hai to bhedbhav chalu ho jata hai, lekin hamesha ye log ghar pe bolte hai ki I take the daughter's side more, to mera I don't know kya hai, it's just that mere liye dono bacche same hai, तो मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, लड़का है लड़की है ऐसा कुछ नहीं है, विच आई सी इन माई फ्रेंड्स, जो दिखता है कि यू नो, सो आई जस्ट फील दैट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड अगर इससे कुछ आगे हासिल हो पाए तो इट विल बी सुपर्ब, और अगर नहीं भी हो पाए तो एक इनिशिएटिव तो किसी ने लिया है, सो मेरे लिए इट्स लाइक अ ग्रेट थिंग टू स्टार्ट ऑफ। जाना ये भी चाहेंगे कि अभी मीटू मूवमेंट आया था, ये पहला कदम आ गया, ऐसे इनिशिएटिव आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हम रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आजकल ये बूट क्या है, ये कौन है मीटू, हम मीटू के बारे में ही बात कर रहे हैं। हेलो सर, आजकल बूट पे कर रहे हैं तो पीछे से पहला कदम, कुछ लेडीज उनको लगता है कि हम इस चीज़ का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी गलत नहीं होता, थोड़ी हफ्ते से बोलते। See, I think each one to their own. I just feel that, you know, it's something that has come up after 10 years. So, ek kabar khuli hai, kabar mein se kuch bhi nikaloge, to wo achha niklega nahi. Wo gandhi niklega. Skeletons niklenge, keede niklenge, makode niklenge. To yehi niklega aur yehi ho raha hai. Mere liye yeh rocket science nahi hai. Yeh 60s mein bhi hota tha. 2019 में भी हो रहा है, 18 में भी हो रहा है और होते रहेगा, बट अब जो होएगा वो मैं किस करने वाला हूँ, मैं हाथ लगाने वाला हूँ, साइन कर लो, ऐसे होगा। सो अभी जरा सोफिस्टिकेटेडली होगा, तो मेरे हिसाब से आई एम फॉर द मी टू मूवमेंट फॉर दोज हु हैव कम अप एंड टेकन अप द राइट वे, एंड आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट वन थिंग, व्हेन मिस्टर आलोकनाथ केस हैड कम अप, जिसमें तारा जो मेन लीड थी नवनीत निशान, उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब उन्होंने बोला था कि मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने उसी पल दो झापड़ लगाए और उसके बाद मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ, तो यही अगर दो झापड़ उन औरतों ने मारा होता आज मीटू नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो 10 साल बाद तुम्हें याद आया कि किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा छेड़ा, उस वक्त क्यों नहीं रिएक्ट किया?
And it's not that people are not going to listen to you. People are going to listen to you. People are going to see it. People are going to talk about it. So. खाओ पियो मस्त रहो पॉलिटिक्स में मत पढ़ो मी टू में मत पढ़ो बहुत कुछ है जिंदगी में इसके सिवा हैव अ फैंटास्टिक 2019 एंड एन्जॉय विथ योर लव्ड वंस एंड लिव हैप्पीली बिकॉज वी आर इन बॉम्बे कल होना हो हमें ऐसा लगता है हमारे पास वक्त है तो वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड जस्ट बी हैप्पी इन द मोमेंट थैंक यू सो मच थैंक यू आ जाओ भाई ले लो भाई आपका कुछ सेंटेंस ऐसा था कि पहला कदम आपने अपनी जिंदगी में अब उठाए चलो जी वेल आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज मैं एक फेमिनिस्ट हूँ सो आई विल आप यू विल नेवर हियर मी टॉक बैड अबाउट अदर वेमेन सो पहला कदम मिसेज इंडिया देर ऑल एम्पावरिंग वेमेन विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग आई थिंक आर कंट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ they need to increase a lot of respect for women and I think such kind of organizations and initiatives are really welcoming and people like us who have thoda face value should support it dobara kya bolu dobara main kya bolu yaar do female mere samne khadi hai strong female jo mujhe pata hai aur as a friend and as a fiance सो हाँ बहुत अच्छी बात है पहला कदम है तो अच्छा ही होगा एंड फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड आई विश निवेदिता गुड लक एंड बेस्ट विशेस थैंक यू जाना ऐसा सी फॉर्चुनेटली ये मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड मैं बहुत ही ब्लड ऑनेस्ट हूँ एंड वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्प करता है बिकॉज आई जैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं लाइक एज अ वुमन हाउ वी नीड टू प्रेजेंट आवर सेल्व्स टू मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमेशा मैंने वो काफ़ी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया कि मैं मेरा अप्रोच कैसा रहे यू नो हाउ आई शुड कंडक्ट माई सेल्फ द वे आई टॉक टू मैन द वे आई वेलकम मैन इन टू माई लाइफ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट एंड आई एम वेरी आई फील मेरा जो बिहेवियर है हमेशा प्रॉपर रहा है सो मेरा मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है बट अगर ये हो रहा है देर हैज़ टू बी समथिंग टू इट एंड लाइक आई सेड आई विल नेवर टॉक अगेंस्ट वीमेन तो अगर आर कंट्री इज लुकिंग आफ्टर द वीमेन देन आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट वीमेन ऑफ आर कंट्री I think for 2019 just everybody just you know do good work I believe in karma jitna acha karoge utna hi acha aapke sath hoga so just do good work in any form possible just keep being good doing good work aur kabhi kisi ka hamesha bhala hi karo there is no use doing it any other way aapki wishes सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड एज स्नेहा सेड कि डू गुड सो गुड विल हैपन टू यू बिकॉज वी बिलीव इन दैट एंड इट कैन कम इन एनी फॉर्म मतलब आप किसी की भी मदद कर दो या किसी एनिमल की हेल्प कर दो क्योंकि स्नेहा एंड मी बोथ आर इनटू वी आर लाइक एनिमल लवर्स तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो लोगों को शायद पता नहीं चलता लाइक जैसे कोई बर्ड्स होते हैं जो कि घायल पड़े होते हैं तो यू कैन टेक देम टू देर आर हॉस्पिटल हु विच टेक केयर ऑफ द बर्ड्स सो यू जस्ट नीड टू टेक देम टू दैट हॉस्पिटल सो समथिंग लाइक दैट और एनी थिंग एल्स एंड आई थिंक सबके न्यू ईयर कंक्लूजन भी अभी शुरू हो जाएंगे और वो लास्ट तक टिकेंगे कि नहीं पता नहीं बट आई थिंक या डू गुड एंड एन्जॉय द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस ईयर थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you.
See, first of all, I'll tell you, it's a very great initiative, especially the most important part of opening this NGO and helping the children and being women is one of the great word itself. Especially aap Nivedita ab main fumble kar raha hu aaj kisi ko soya nahi and Nivedita ma'am ko aap jante hain ki how busy she is and especially taking out time from her schedule television jo that's also one of the best thing and I wish her very good luck superb luck looking forward for more news and more things about this NGO and always up for it yeah. जरूर नया साल आ रहा है उसके पहले क्रिसमस भी आ ही चुका है इट्स ऑलमोस्ट देयर या सो आई विश एवरीबॉडी लाइक ऑलवेज सबको बहुत 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 शुभकामनाएं अगले साल की जो इस साल नहीं कर पाए वो डेफिनेटली अगले साल करिए क्योंकि मैं भी वो बहुत कुछ करने वाला हूँ सो विश यू ऑल अ वेरी सुपर्ब हैप्पी न्यू ईयर एंड अ ग्रेट 2019 व्हाट आई वुड से एंड चीयर्स पहला कदम और निवेदिता जी ने इसको शुरू किया है ऐसा कोई इवेंट आता है या कोई ऐसा इनिशिएटिव दिया जाएगा तो क्या लगता है आपको कितने दिन चलेगा या फिर इसका असर लोगों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा देखिए पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि निवेदिता बासु बहुत ही टैलेंटेड है ये बात सबको पता है लेकिन वो मेरी बेस्टी भी है मेरी बहुत ख़ास दोस्त है और अब फैमिली है और अब इनकी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार उनके डायरेक्शन में मैंने भी इसमें किया है कुछ बहुत ही खूबसूरत और दे आर सेलिब्रेटिंग द स्पेशल वुमेन ऑफ देयर लाइव्स विद ऑब्वियसली मैन दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग विद वुमेन फॉर बीइंग सो इम्पॉर्टेंट पार्ट और खुशी इस बात की है कि इस चीज़ का हिस्सा जब वो पहली बार ऐसी कोई चीज़ बना रही थी तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाया तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की ललित दालमिया ने बहुत ही खूबसूरत लहंगा डिज़ाइन किया है मेरे लिए जो कि ये भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट थोड़ी लेट हो गई हूँ आज और बस चाहती हूँ कि ही शुड से समथिंग अबाउट मी बींग पार्ट ऑफ हिज लाइफ नाउ खुशी है देखिए निवी एज फार एज आई नो मैं जब मिला उससे मैं पहले से भी जानता था उससे बिकॉज आई वर्क इन बालाजी और व्हेन आई मेट विद विंध्या तो मैंने विंध्या को जाने के बाद एक ही चीज़ कही थी दिस गर्ल हैज फायर टू डू समथिंग व्हिच नोबडी हैज डन सो आई बिलीव निवी ने जो ये पहला कदम उठाया है ये कदम से कदम मिलाकर पूरी जनता चलेगी सारे लोग चलेंगे और एंड आई एम प्राउड ऑफ निवी दैट उसने ये इनिशिएटिव लिया है यू नो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू यू नो ओपन समथिंग टू ब्रिंग अप समथिंग न्यू एंड ऑफ कोर्स विंध्या इज पार्ट ऑफ दिस तो आई एम श्योर कि ऑफ कोर्स यार विंध्या है मतलब बात ही खत्म विशेस फॉर न्यू ईयर यार ऑफ कोर्स यार न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि न्यू ईयर में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं जैसे कि दिवाली में फोड़े जाते हैं एनिमल्स बहुत सफ़र करते हैं सो अगर आपके लिए आप उम्मीद हर इंसान उम्मीद करता है बेसिकली कि नया साल जो है वो खुशियाँ लाए अच्छी हेल्थ अच्छी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लाए तो मेरी रिक्वेस्ट और विंध्या की रिक्वेस्ट बीइंग डॉग लवर्स एनिमल लवर्स कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि किसी और को हर्ट हो चाहे वो इंसान हो या जानवर थैंक यू सो मच एंड दिस ईयर दिस न्यू ईयर इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर बोथ ऑफ अस सो थैंक यू सो मच टू गिव सो मच ऑफ लव टू बोथ ऑफ अस एंड वी वॉन्ट यू ऑल टू हैव योर लव्ड वंस एंड डियर वंस अराउंड यू एंड सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद फुल धमाका थैंक यू वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन सर पहला कदम उठ चुका है नारी शक्ति की तरफ और आपकी क्या मेमोरीज जुड़ी हैं अपनी माता जी को लेकर बहन को लेकर घर में कैसा माहौल रहता है आपको क्या लगता है सर कि ये जो इवेंट अभी शुरू हुआ है कब तक रहेगा या किस तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे ये अभी नया माहौल है नया इंटरनेट का ज़माना है
और लोग अपनी फैमिली से बहुत बिछड़ जाते हैं इन चीज़ों में, अपनी फैमिली याद नहीं आती है, मोबाइल में बिजी रहते हैं, और ऐसे जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए लोगों को, और ये रियलाइजेशन लोगों को बाद में होगा। तो जब ये से इनिशिएटिव आते हैं तो ये रियलाइजेशन होता है कि बहुत ज़रूरी है कि फैमिली लाइफ होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं, सारे इवेंट करते हैं। इनफैक्ट मेरी जो वाइफ है लक्की मरानी, वो काफ़ी इवेंट्स वुमेन एम्पावरमेंट में कर रही है, और हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा सरप्राइज अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ी आइडिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू विश निवेदिता मैम एंड ललित डालमिया, हु आई एम एक्चुअली अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिम, आई वॉक फॉर हिम, एंड अमेजिंग इनिशिएटिव, एंड ऑल्सो लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट, एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ऑल द पीपल टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। Obviously, someone empowering women, someone supporting women is really something we look forward for, and I would wish you all the very best. So what do you have? Same. In fact, feels nice that women are taking this initiative to bring up women of this nation, and it needs to be done over time and again, time and again. We need to be realized that yes, women have the equal stand in our society as well as men. So yeah. It is a feeling of pride. So yeah, thanks. And don't you think that जब भी initiative लिया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर वो कुछ दिन रहता है, उसके बाद वो चला जाता है और नई चीज़ आ जाती है, तो थोड़ी अपनी होता है ऐसे, तो to keep this such things alive it's very important कि वो regularly you know you are making efforts to keep it alive. एक्चुअली मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ हम ही नहीं, इनफैक्ट हर इंसान को उतना ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हम लोग एक पड़ाव ले लेंगे तो आप भी अगर एक स्टेप उठाएंगे, और अगर हर एक इंसान एक स्टेप उठाएगा तो बहुत डिफरेंस होगा। अगर सिर्फ चार लोग इसके बारे में बात करेंगे और फिर चार दिन बाद भूल जाएंगे तो डज मेक सेंस। सो आप लोगों को भी उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा जितना हम लोग कर रहे हैं। भैया नया साल आने वाला है, एनी विशेस फॉर योर? यस यस, आई विश देम वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ग्रेट ईयर कमिंग अप अहेड। 2018 हैज बीन सो फार सो गुड फॉर बोथ ऑफ अस, एंड आई होप दैट इट्स बीन ग्रेट फॉर यू गाइस एज वेल। सो वी रियली होप दैट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर ऑल यू गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वुमेन्स तो हमें मैसेज देती आई हैं, हम क्या उनको मैसेज देंगे? हम तो कौन ही होते हैं वुमेन को यू नो महिलाओं को मैसेज देने वाले, पर बाकी सेट हमें बचपन से लेके आज तक सारी मैसेजेस, सारी सीख, सारी यू नो माओं से, बहनों से, भाभियों से, चाचियों से, बीवियों से, बुआओं से, बीवियों से, गर्लफ्रेंडों से, बहुत सारी सबसे मिलती रही है, वेज से हमें चीजें सीखने को मिली है। आई थिंक हम तो कोई नहीं होते उन्हें, बट जस्ट आई वांट टू से कि वी आर स्टैंडिंग विद दिस कॉज एंड वी सपोर्ट दिस कॉज एंड यार डेफिनेटली वी वुड। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार, एनीथिंग रिलेटेड टू यू नो थिंग लाइक दिस, आई थिंक इट कैन नॉट गेट बेटर। यू आर ऑलवेज देयर फॉर दिस कॉज एंड दिस सपोर्ट। यार आई थिंक हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, हर चीज़ का ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो आई थिंक ये सेकेंड वाला वो इट्स लाइक अ पैकेज डील, आपको सिर्फ
प्लस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उसके माइनस पॉइंट्स भी आएंगे। तो लाइफ में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ पे आपके प्लस या माइनस ना हो, कभी किसी का प्लस नहीं हुआ, कभी किसी का माइनस नहीं हुआ, सो आई वुड से कि कोई हर जैसे हाँ बट उठाए तो जाते हैं, ठीक है यार उठाए जाते हैं, बट वो फिल्टर करना हमारे ऊपर है। हाँ करेक्ट। कुछ सर ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं हमारे साथ पर्सनली तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम हमें क्योंकि बिकॉज वी हैव बीन बॉटअप बाय गर्ल्स एंड फैमिली, जैसे बुआ मामियों ने चाचियों ने बड़ा किया है, बहनों ने बड़ा किया है साथ में रह के, तो उतना तो हमें पता ही रहता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे फिल्टर करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, नया साल है, बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएगा, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए सबके लिए, यही विषय है, बहुत सारा काम, बहुत सारी खुशियाँ, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, और जितना तो आपके आप सबके लिए 2018 है उससे कई बढ़कर खुशियाँ और काम सब कुछ लेकर आए आप सबके लिए। आपकी क्या प्लानिंग है इस न्यू ईयर? अभी तो हम लोग सिर्फ बाली जा रहे हैं, अभी तो हम बाली जा रहे हैं, शूट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए थैंक यू यू आपका अपना पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निवेदिता को क्योंकि वुमेन अपने आप में इतनी मुकम्मल है, पति होता है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, भाई होते हैं जी, तो उनको एम्पावरमेंट करने की क्या जरूरत है? नहीं बात आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू सी, आई थिंक एम्पावरमेंट हमारे देश में सोसाइटी में हर एक वर्ग के लोगों को, हर किस्म के लोगों को एम्पावर करना पड़ता है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, कास्ट से आते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो इतना डाइवर्स है और उसमें इतनी सोशली लोग अप डाउन हैं, तो उसमें एम्पावरमेंट हर एक इंसान को देना बहुत ज़रूरी है, और हर एक इंसान सबको नहीं एम्पावर कर सकता है, और ना ही गवर्नमेंट एक साथ इनिशिएटिव लेके सबको एक साथ एक ही टाइम पे कर सकती है, सो इट्स ग्रेट दैट इंडिविजुअल्स आल्सो टेक दैट स्टेप एंड डू वर्क टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट। सो निवेदिता ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, एंड आई थिंक इट्स कूडोज टू हर। यही कि उम्मीद करेंगे कि वो साल सबके लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो, और सब कुशल मंगल रहें और खुशी से रहें, नफरत कम हो जाए। आपकी क्या प्लानिंग है इस न्यू ईयर? मेरी अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, मैं ये मेरी यही प्लानिंग है कि मेरा भी न्यू ईयर अच्छा ही बने और अगला साल भी अच्छा ही रहे। ये बढ़िया प्लानिंग है ना। थैंक यू। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही इनिशिएटिव है और इक्वालिटी होनी चाहिए, तो वो जो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल है या फीमेल, सबको इक्वल, सबका एक अधिकार होना चाहिए। सो आई एम हेयर टू सिंग फ्यू लाइंस फॉर द लेडीज एंड फॉर द होल क्राउड। न्यू ईयर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, लिव इट अप, यू लिव ओनली वंस, एंजॉय। थैंक यू सो मच। रेडी? वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आप क्या मेमोरीज रिकलेक्ट करते हैं वुमेन को, जब सोचते हैं कि यार क्या वुमेन को भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि भाई होते हैं, बाप होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो डोंट यू थिंक ये गलत इनिशिएटिव है और इसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए? इनिशिएटिव क्या गलत है? गलत ये है कि वो ऑलरेडी एम्पावरमेंट है, क्योंकि फैमिली है और इतनी सारी चीज़ें, डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी? गलत, आई थिंक इट्स जस्ट अ रिमाइंडर आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जैसे हालात हैं और जैसे जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर, ऐसी कोई भी चीज़ जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो या फिर जो सेक्स हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि हमें अपने आप को रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज हमारा इतना प्रेजुडिस है, इतना ज़्यादा कंडीशनिंग है, हम इतने पहले से बचपने से ही इतने बड़े होते हैं इसी सोच के साथ, और ये एक्सेप्ट नॉट, ये हमारे कंट्री की सिचुएशन है। So I think it's a great thing to remind ourselves, to at least to start a new beginning. We should all, today itself, at this moment, start where we all are equal. There's no separation. We're just that we're ladki hain, to hum ladke hain, but everybody is equal. Yeah,
क्योंकि मैम डोंट यू थिंक ये मी टू मूवमेंट है, पहला कदम है, ये जो जिस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां कुछ औरतें इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती हैं? See, being a woman, of course, I am really proud of the whole Me Too moment. But yeah, मुझे ऐसा लगता है कि Me Too moment सिर्फ women के लिए नहीं होना चाहिए, men के लिए भी होना चाहिए, because it's it works both ways. Why are we looking at the negative side? Yeah, positive side. Yes. देखते हैं कि कितनी अच्छी बात हुई है कि यार अभी लोग कम से कम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे तो सही. दोनों मामले में हमें positive side देखनी चाहिए. Negativity तो हर किसी चीज के साथ आएगी. कुछ भी नया होगा उसका negative तो आएगा ही आएगा. हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, जो अच्छा हो वो देखें कि अब कम से कम 10 बार बंदा सोचेगा करने से कि भैया मी टू मूवमेंट चला हुआ है, कभी मैं इसमें आ ना जाऊं. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एनी पर्टिकुलर इवेंट, एनी अनकैनी इवेंट हैपेंड टू यू इन योर पास्ट जब आपको लगा हो कि यार मतलब वाकई में औरतें कहीं ना कहीं कमजोर? मुझे कभी चाइल्डहुड में, कभी टीनेज में, कभी रिमेंबर एज सच, और अगर मुझे याद नहीं है तो शायद मेरे साथ हुआ नहीं है प्रॉब्ली, वरना वो याद रहता. तो आई थिंक आई एम द फॉर्चुनेट वन प्रॉब्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली अपब्रिंगिंग वाइज एंड एवरीथिंग के मुझे कभी यू हैव बीन ब्रॉट अप एंड यू हैव टेकन चार्ज ऑफ योर फैमिली एट अ वेरी यंग एज, सो इनसे बड़ा एग्जांपल नहीं है यार. एवरीबॉडी इज इक्वल. एंड आई वाज ऑलवेज टॉट दैट मतलब मुझे कभी बेटा बेटी का फ़र्क हमारी फैमिली में कभी, हम दो बहनें हैं तो इन्होंने बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज बोर्न इन अ फैमिली दैट आई हैड नेवर टू फेस एनी ऑफ सच. हैट्स ऑफ टू हर पेरेंट्स, इन्होंने ये नहीं सोचा कि यू नो कि लड़की है और काम नहीं करना है. हैट्स ऑफ टू देम, और ये सोच हर किसी की होनी चाहिए. चलिए पहले कदम से दूसरे कदम की तरफ चलते हैं. नया साल आने वाला है और क्या शुभकामनाएं रहेंगी, और आप लोग खुद किस तरीके से नया साल बनाने वाले? मैं तो यार शूटिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो जितनी कम छुट्टी मिलेगी उसमें मैं ऋतिक को लेकर कहीं भी चले जाऊँगा, यानी हिल स्टेशन. और अगर नहीं मिलेगी तो फिर बॉम्बे में ही मैं किसी दोस्त के घर या अपने प्रोड्यूसर्स के घर या फिर अपने को एक्टर्स के घर पे पार्टी कर लूँगा. सो आई थिंक आई विल डू दैट एंड आई रियली वांट टू चिल, आई रियली वांट टू पार्टी एंड एंजॉय. नहीं, हम बॉम्बे में होंगे तो हम बीएचके में होंगे. तो मुझे जब ज़्यादा थक जाता हूँ तो मुझे नेचर चाहिए होता है. मुझे ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे भागना है और नेचर में जाके पहाड़ों पर जाके या तो बीच पर जाके बैठ जाना है, तो या तो वही करेंगे. सबसे पहले तो मैं निवेदिता को मैं विश करना चाहूँगा. और सच ए ग्रेट इनिशिएटिव, इट्स फैबुलस व्हाट शी इज डूइंग, एंड ये पहला कदम बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है, इससे और कदम बढ़ाते रहेंगे. और सारे मेरे फैंस को, कुल्फी कुमार बाजे वाला फैंस को, सिकंदर के फैंस को, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस. ओल्ड डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड I think it's a lovely initiative, और it's about girl child, it's about women. वो खुद एक बहुत ही powerful lady है, मैंने कुछ सालों से जानता हूँ. I think very creative, very intelligent, good sense of humor, very independent and a superb business mind. So I think she is like a mix of everything. And I think जब एक ऐसी औरत एक इतने अच्छे cause के लिए कुछ करती है, अच्छा ही होता है वो. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बिकॉज मैंने जब सुना था कि पहला कदम बोल के कोई चीज़ है जो उन्होंने स्टार्ट किया है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज इट्स अबाउट लाइक आई टोल्ड, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेन. एंड टुडे इन टुडेज टाइम्स आई थिंक अ वुमन डेफिनेटली इज, हम पहले कहते थे कि एक आदमी जो औरत से हमेशा आगे है, फिर एक औरत आदमी के बराबर आई और अब औरत आदमी से आगे जा रही है. सो दैट इज समथिंग विच वी मैन रियलाइज एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड अबाउट इट. बिल्कुल यार, आई थिंक जब उन्होंने इतना अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने सालों से जानते हैं, हम भी कुछ उसका हिस्सा बने. मेरी उनसे कल ही बात हुई थी तो वो कह रही थी कि मैं चाहूँगी कहीं ना कहीं आप भी जुड़े, सो डेफिनेटली वाई नॉट यार. न्यू ईयर में न्यू ईयर प्लान है अभी फ़िलहाल तो बहुत काम है, मतलब जो हम हर रोज़ करते हैं. आई थिंक आप लोग आते हैं हमारे सेट पे, आप लोग देखते हैं, बट अदरवाइज़ आई थिंक हो सकता है मैं शायद थोड़ा ट्रैवल करूँ. कोई इवेंट कुछ नहीं करूँगा, मैं न्यू ईयर में पसंद करता हूँ कि या तो फैमिली के साथ हो या क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो, बट डेफिनेटली दो दिनों के लिए तो मैं गायब हो जाऊँगा अपने सेट से.
Thank you. Sabhi ek saath le rahe hain. Okay, wishing everybody a very, very happy new year, very prosperous new year, and a great, fantastic year. God bless you guys. Thank you. Thank you.